जमशेदपुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त सूरज कुमार के कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर 5 सूत्री मांग पत्र को सौंपा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मांग करते हुए कहा कि सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हम करते हैं, लेकिन हमारे न्यूनतम मानदेय भी सरकार समय पर भुगतान नहीं करती है। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ ने बुनियादी सुविधाओं तथा सरकार के मांग पत्र सौंपा, जिसमें चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि, पेंशन, उचित मानदेय जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। आज 1 साल हो गया जब से कोरोना वायरस का शुरू हुआ। मार्च में हम लोग को, नवंबर दिसंबर में हम लोग को मिला था पोषाहार। उसके बाद से सिर्फ मात्र एक बार चावल वितरण किया गर्भवती और धात्री हर बच्चे के लिए। उसके बाद से आज तक हम लोग को बच्चे को पोषाहार नहीं दिया गया और हम लोग को मानदेय भी समय पर नहीं मिलती है। 2 महीना 3 महीना रोक कर कभी 4-4 महीना कभी 5-5 महीने पर हम लोग को मानदेय दिया जाता है। इससे हम लोग का घर परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग बार बार हड़ताल भी करते हैं, हम लोग सरकार को सूचना भी देते हैं, लेकिन सरकार है कि कभी 500 कभी 400 कभी 300 में हम लोग को लटका के रखती है। इस तरह से हम लोग काम तो हम लोग से बहुत ज़्यादा लिया जाता है सर।